रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा, आपने जो सनग्लास या फिर आप आई साइट की जो चश्मे पहनते हैं उस पे आपने अक्सर का देखा होगा कि उसकी जो स्टिक्स होती है उस पे कुछ नंबर मेंशन होते हैं, उसके मतलब बताऊंगा, यानी उसके नंबर के का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाता हूं आपके लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज, चश्मे का नंबर और आईज के मतलब बहुत ही लेटेस्ट मालूमात। सो फ्रेंड्स, ये देखें, मैं आपको बताता चलूँगी, ये थ्री पीस फ्रेम आपने देखा होगा, जब आप ऑप्टिकल शॉप पर जाते हैं तो आपके पास ये फ्रेम जब आपको सेलेक्ट करते हैं उस पर एक नंबर मेंशन होता है, छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा यकीन, इसके मतलब आज मैं आपको बताऊँगा। ये हमारी वीडियो जो है ऑप्टिशियन भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत चीज अच्छी मालूम मिलने वाली है। लेट्स सी फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे पास एक फ्रेम, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मतलब, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हमारे पास 49 21 140। 49 का मतलब क्या है? 49 का फ्रेंड्स ये मतलब है, ये फ्रेम का आई साइज़ होता है, यानी यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरा क्लोज करके आपको बताता हूँ, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी कंपनी इस फ्रेम को बनाती है ये इसका साइज़ होता है। इसका मतलब 49 का मतलब ये हो गया, इसका आई साइज़ होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आगे स्क्वायर का एक डब्बा बना हुआ है। उसके बाद फ्रेंड लिखा हुआ है 21। 21 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? 21 का मतलब ये है, जो इसका सेंटर है इसको हम ब्रिज बोलते हैं, यानी जो भी कोई चीज़ होती है, जो भी कंपनी होती है, ये जो इसका सेंटर होता है, ये दो लेंस को आपस में, आईज़ के लेंस को आपस में जोड़ता है, ये मतलब इसका 21 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो आगे इसका लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके और मज़ीद दिखाता हूँ, आगे लिखा हुआ 140 140 140। जो फ्रेंड्स होता है ये यहाँ से इसकी स्टिक शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी जो इसकी स्टिक्स होती है, ये इसका मतलब है 140। ये चीज़ पूरी, ये देखें आप, ये जो फ्रेम, जो भी कंपनी होती है फ्रेंड्स, जो फ्रेम बनाती है वो इसी नंबर को लेकर बनाती है, इसी बिल्कुल इसी नंबर को। अगर ये नंबर उनके पास मौजूद ना हो या कि वो नंबर ना बना सके तो उनके लिए ये फ्रेम बनाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के मतलब अच्छी मालूम मिली होगी, और फ्रेंड्स के जो पैटर्न पर नंबर लिखा होता है उसके मतलब आपको बेहतरीन मालूम मिली होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदा रहा इन सांसों ने वफा की, तो नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझ न चीज़ को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।